हिंदी भाषेत MBBS अभ्यासक्रम सुरू करणारं मध्य प्रदेश हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज भोपाळ इथं वैद्यकशास्त्राच्या हिंदीमधल्या 3 पाठ्यपुस्तकांचं प्रकाशन केलं. देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातला हा पुनर्बांधणीचा क्षण आहे. आता विद्यार्थी आपल्या भाषेत शिक्षण घेऊ शकतील. भारतीय भाषांच्या सबलीकरणाच्या दिशेनं हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं अमित शहा यांनी यावेळी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवं शैक्षणिक धोरण आणलं आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेतल्यानं विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेत वाढ होईल. आज झालेल्या सुरुवातीमुळे संशोधन क्षेत्रालाही नवं बळ मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है. कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है. कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे. मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी. तो अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी. अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है. इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है. अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है. समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे.